ध्यान भोजन के बाद, ध्यान भोजन जब हमने शुरू किया उसके बाद काफ़ी ड्रॉपआउट में कमी आई, बच्चे स्कूल आना शुरू किए और काफ़ी उनकी संख्या बढ़ी। उसके तारतम्य में हम लोगों ने पौष्टिक आहार देने की योजनाएं पहली बार शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ के चार जिले एक कोरिया भी, सूरजपुर भी और दुर्ग और गरियाबंद में पूरे स्कूल में इसका शुरुआत करेंगे और सुबह नाश्ता की जो व्यवस्था रहेगी तो शांत कर ले भाई लोगों को, थोड़ा शांत कर ले। दो विकास खंड में आपके गांव विकास खंड और पिंडरा मोरेला विकास खंड में हम करेंगे, क्योंकि सुबह से बच्चे आ रहे हैं, रात को खाना खाए तो सुबह कम खाना खा के यहाँ पे आते हैं, तो बच्चों का सेहत की दृष्टि से किया गया है, सोया मिल्क किया जाएगा बहुत मीठा, उसका सेवन भी किया है, काफ़ी पौष्टिक भी है, बच्चों के फायदा में रहेगा, बच्चों की जो ग्रोथ उसमें बढ़ेगी। ये पंडित जी, ये जो ध्यान भोजन में नियम के अनुसार बच्चों को खाना नहीं मिलता, ये शिकायत आता है, इसके बारे में कुछ जहाँ देखिए हम लोगों ने मेनू के अनुसार उसमें तय किया है और जहाँ जहाँ शिकायत आती है उसकी जांच करते हैं और पूरा वापिस लोगों को मध्यान्ह भोजन मिले। कि हमारी ट्रेन में आप सफर करते हैं, बैग किसी को उससे बैग चोरी हो जाता है, इसको सुरक्षित किस तरह, साथ में आपके सुरक्षा कर्मी रहते हैं, क्या मानते हैं रेलवे की किस तरह की इसको आप लापरवाही मानते हैं? रेलवे मेरे भी काम ठीक कर रहा है, हम भी काम ठीक कर रहे हैं, मेरा साथ। भाजपा के आरोप सामने आ रहा है लोक विकास योजना है, बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं का सुधार भाजपा के 15 साल के राज में इतना बढ़ा कि 36% हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार, 41% माताएं बहने एनीमिया के शिकार है। तो किसी ने 15 साल में क्या करते रहे, कुपोषण के लड़ने के लिए योजना इतना क्यों नहीं बनाई? अगर भूपेश बघेल की सरकार के अगुवाई में अगर इस सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए योजना बना रही